बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेज सूप की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। वेज सूप बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ सब्जियों का इस्तेमाल किया है। ये बंद गोभी है, इसको पतली कट करके ले ली है। एक शिमला मिर्च बारीक कट की हुई, एक गाजर बारीक कट किया हुआ, 6 से 7 बीन्स लिए हैं यहाँ पर, इसे बारीक कट करके ले लिया है। हरा धनिया बारीक कट किया हुआ, एक टमाटर बारीक कट किया हुआ, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ हैं, इसको हमने खिस कर ले लिया है। आधा इंच अदरक का टुकड़ा खिस कर ले लिया है। 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून काली मिरी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और पानी डालकर हमें इसका घोल बना लेना है। 1 टेबल स्पून विनेगर। हमने गैस पर कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है और उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा बटर डाल देते हैं। घी और बटर डालने से ये वेज सूप बहुत टेस्टी बनता है और हेल्दी भी बनता है। अदरक खिसा हुआ और लहसुन ऐड कर लेते हैं, पका लेते हैं। बीन्स कट किए हुए थे उसे डाल देते हैं। गाजर को दें। गैस की फ्लेम को लो पे रखे हमें ये चलाते हुए ऐसे पका लेना है। गोभी ऐड कर लेते हैं, शिमला मिर्च ऐड कर लेते हैं, टमाटर ऐड कर लेते हैं, हरा धनिया ऐड कर लेते हैं। घर पे जो अवेलेबल थी मेरे पास सब्जियां, मैं उसी सब्जियों से आपको ये सूप बनाना सिखा रही हूँ। अब हम इसमें नमक ऐड कर लेते हैं। ये सब्जियों को हमें 2 मिनट के लिए ढककर लो फ्लेम पे रख के पका लेना है। 2 मिनट हो गए हैं, अब इसको हटा लेते हैं। ये सब्जियां पक गए हैं। 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड कर लेते हैं। इसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को फुल कर देते हैं। इसमें एक उबाल आने देते हैं और ये जो मसाले हमने निकाले थे, जीरा पाउडर, काली मिरी पाउडर और चिली फ्लेक्स, वो इसमें ऐड कर लेते हैं। नमक भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब इसको एक बॉईल आने देते हैं। बॉईल आ गया है, अब हम इसमें घोल बना के रख दिया था कॉर्नफ्लोर और पानी का, इसमें ऐड कर लेते हैं और ऐसे ऐसे मिक्स कर लेते हैं। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसे 1 से 2 मिनट हमें ऐसे पका कर ले लेना है। वेज सूप बनकर रेडी है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो लीजिए, वेज सूप बनकर तैयार हो गया है। बहुत टेस्टी और मजेदार बन के तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।